लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हुआ सर? एक्सीडेंट हुआ है। कोई लॉरी वाला ठोकता तो कोई बात नहीं, ऑटो वाले ने ठोक दिया। उसका ब्रेक नहीं ठीक था लगता है, इसीलिए ठोक दिया। सर, इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा सर? डॉक्टर ने कहा 6 महीने लगेंगे। क्या 6 महीने? मैं जानता हूँ तुम्हारा टूर्नामेंट नजदीक आ रहा है, ऐसे वक्त में मेरा एक्सीडेंट होना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झटका है। एक काम करो, वैजाग में एक कोच है, नाम है रघुवीर, मुझसे भी अच्छे कोच हैं, लगातार 6 महीने चैंपियनशिप जीतने वाले एक अकेले इंसान हैं। ही इज अ लिविंग लेजेंड ऑफ द किक बॉक्सिंग इन इंडिया। तुम उनके पास जाओ और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करो। इस साल तुम चैंपियनशिप जरूर जीतोगे। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा सर। क्यों? मैं माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा, वो हार्ट पेशेंट है। आप डिस्चार्ज होकर आइए, आप सिर्फ साथ रहिए, मैं पिकअप कर लूंगा, लेकिन मैं माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा सर। तू पागल हो गया क्या? जाना, इतनी नजदीक आने पे कोचिंग छोड़ दोगे? मुझे कोई बहस नहीं करनी है माँ। अच्छे कोच है, बोल रहे हैं तो चले जाओ ना बेटा। मैंने सुना है कि अमिताभ की फिल्म लगी है, चलोगे क्या माँ? तुम इसे कह रहा हूँ, बोलती क्यों नहीं हो? मैं जिद्दी और घटिया लोगों से बात नहीं करती। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बैठ जाओ। ये क्या है? एप्लीकेशन में अभिराज लिखा है, इसमें अमरनाथ दिखा रहा है। वो क्या है ना, वो नाम मुझे अच्छा नहीं लगा तो अमरनाथ कर लिया। अब कुछ गड़बड़ मत करना, अमरनाथ ही लिख देता हूँ। ये क्या है? अपोलो हॉस्पिटल में 3 दिन एडमिट होने का रिकॉर्ड है, कौन सी बीमारी है तुम्हें? जी, 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 मुझे कोई बीमारी नहीं सर। हाँ, मेरे पिताजी भर्ती थे। तुम्हारे पिताजी को क्या बीमारी थी? मुझे तो शक है कि तुम्हारे पिताजी की बीमारी तुम्हारे अंदर ना हो। ऐसी कोई बीमारी नहीं, एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था? ओके, तुम एक काम करो, ये श्योरिटी साइन कर दो। श्योरिटी साइन किस लिए? क्यों भाई, हमारी लड़की को कुछ हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हमें सावधान रहना पड़ता है। इतना कर दो, यही लास्ट है, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप यहाँ पे आए, हमें बहुत खुशी हुई। हमें आने में देर तो नहीं हुई ना रामू? अरे नहीं नहीं, अभी तो वक्त है। ये मेरी पत्नी गायत्री है। नमस्ते। ये क्या है? ए, चल जा। हाँ? पागल हो गए हो? सर पे लग जाता तो? ए, लगा तो नहीं ना, चल जा। ए, दांत तोड़ दूंगी, फालतू की बकवास मत करो, चलो नीचे आओ। समझते क्या हो? मेरे बारे में जानते नहीं हो शायद। मैडम अंदर आइए, मैडम पंगा मत लेना। अरे जाने दीजिए मैडम, झगड़ा मत करिए। कौन है वो लोग? जाने दीजिए मैडम, उनसे झगड़ा क्यों करना है? उनकी बदतमीजी बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारा घर है कि नहीं? हमारा ही घर है। अच्छा देखकर उनको भाड़े पर दिया था, बाद में दोस्तों को लाकर घर को क्लब बना दिया इन लोगों ने। फिर भी चुप बैठे हो, पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करते? ये शहर हमारे लिए नया है, इसलिए नहीं किया। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मेरे बेटे को भेजती हूँ, वो आपको हिम्मत जरूर देगा। आप उसके साथ जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। नमस्ते जी। नमस्ते। स्टूपिड इडियट्स। हाँ? कुछ नहीं, जा। मेरे बेटे को जब भेजूंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। देखिए सर, शराब पी के जुआ खेल के घर को क्लब और बियर बार बना दिया है। क्लब है? हाँ। यहाँ तो किसी क्लब का साइन बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। सर, बोर्ड लगा के कोई गलत काम करता है क्या? तुम्हारा कहना सही है, लेकिन हाँ, ये मैटर सिविल में जा चुका है। हाँ, हाँ। अब ऑनर और टेनेंट का ये मैटर सिविल कोर्ट में सुलझेगा। हाँ। मान लो मैं वहाँ चला भी गया और देखा वहाँ जुआ भी चल रहा है, तो मेरे चाचा, मेरे मामा और मेरे भाई खेल रहे हैं, वो लोग ये कहेंगे। घर के लोगों का आपस में पत्ते खेलना गुनाह नहीं है, इसी तरह घर में पीना भी गलती नहीं है। कुछ भी करो, लेकिन रोड पर होगा तभी हम लोग रोक सकते हैं, कानून ऐसा ही है। हम भी क्या कर सकते हैं? किसी को खेलते हुए देखना आता है आपको? हा? आप बस देखिए, सीढ़ी कहां से? उधर से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ फ्रेंड के पास। ठीक है, मैं जरा जुआ खेल कर आता हूँ, तुम यहीं पर रुकना। खेलने दो। एक्का है। बादशाह है। आदरा। एक्का है बे। तू हार चुका है, मेरे पास बादशाह है। ए, क्या नाटक कर रहा है?
बादशाह बड़ा होता है कि एक का बड़ा होता है? एक का ही बड़ा होता है। hey! जुआ खेलने पर इतना शोर होता है क्या? बादशाह बड़ा होता है कि एक का ही बड़ा होता है? ये तोड़फोड़ की आवाज कैसी? क्या पता, मैं भी नहीं जानती। बहुत अच्छा कर रहे हो, मारो। कई बड़ा होता है बे? नहीं, बादशाह बड़ा होता है। ठीक है, बादशाह ही बड़ा होता है। बादशाह ही बड़ा होता है, तेरी परेशानी क्या है? नहीं यार, इक्का ही बड़ा होता है। तेरी तो अरे ये आवाज कैसी है? फटाके फूट रहे हैं। ओहो, उठा 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 उठा, भाई से भाई गलती हो गया। इसे ऊपर से धकेला क्या? नहीं सर, पैर फिसल के गिर गया है। फिसल गया वो तो ठीक है, लेकिन ढकेला तो केस है। अरे ठीक है, जो तुम कहोगे वही बड़ा होता है, मुझे छोड़ दो। कूदा या गिर पड़ा? गिर पड़ा तो ठीक है, गिराता तो केस होता। आजा, जो कहोगे वही बड़ा होता। अरे वो बात नहीं है, ये जगह बहुत छोटी है, चलो कहीं और चलकर खेलते हैं, है ना? जगह बाद में डिसाइड करेंगे। उठाओ उठाओ इसे, उठाओ उठाओ, दोनों कुर्सी उठाओ उठाओ, चलो चलो, ये लीजिए चाबी, खाली करके जा रहे हैं, मेरे दोस्तों को ये जगह पसंद नहीं है। थैंक यू सर। ओके, यही सही तरीका है, सारे सिविल मैटर इसी तरह निपटाने चाहिए। हर बार पुलिस पुलिस करते रहोगे तो हम भी क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? बोलो। हाँ जी, करेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। ए, चल बे। लगता है मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए आया हूँ, स्लोली ट्राई करते हैं, हैं? चलो, यहाँ किसके लिए आई हूँ? मेरे लिए ना? नहीं। तो फिर? जगह देखने के लिए। ये कोई ताजमहल है क्या? उस दिन आई थी तब नहीं देखा था? मैं क्यों कह रहा हूँ? प्लीज समझो ना। नहीं 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 नहीं। अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है जाओ। ए चेन्नई, अगर दोबारा आई ना तो फिर ठीक है, जाओ जाओ। लग रहा है उस लड़की को मैं चाहने लगा हूँ माँ, एक बार देख लो फिर बात बढ़ाते हैं। प्यार करना है तो करो या मत करो, नाटक मत करो। वैसे उस लड़की का नाम क्या है? चेन्नई। चेन्नई नहीं, चिन्नी होगा। नहीं माँ, मैं उसे चेन्नई कहता हूँ, नाम कुछ बताया था उसने पर याद नहीं है मुझे। नाम भी जानता नहीं कदा और प्यार करने लग गया है। ये यहाँ क्या कर रही है माँ? ये वो लड़की है। ये है चेन्नई? हाँ। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। ए, तुम यहाँ रुको,
मैं जाकर बात करती हूँ, हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हें कहीं देखा है ना? आंटी आप मुझे पहचाना नहीं? रामू अंकल के घर मिले थे। अरे हाँ हाँ याद आया। नमस्ते आंटी। नमस्ते, क्या बात है? तुम दोनों यहाँ शॉपिंग करने आए हो क्या? वो हेयर क्लिप लेने के लिए, इसकी शादी है ना। ओ हाँ। गुंडा कौन वो वहाँ पर? बहुत डराता है आंटी, उसे देखकर मुझे बहुत घबराहट होती है। इधर ही देख रहा है आंटी। ओ माय गॉड, मैं क्या करूं? अच्छा वो तुम्हें सता रहा है? ए इधर आ। आंटी छोड़िए ना। हाँ तुझे। ओ, नहीं आंटी। तुझे नहीं तो और किसे? इधर आ। जाने दीजिए आंटी प्लीज। तुम चुप रहो। ए क्या है, क्या है ये पोज, क्या है ये चलना, क्या है ये मस्ती, क्या है? जाने दीजिए ना आंटी। तुम चुप रहो। खुद को समझता क्या है? हीरा समझता है? चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी। ए, लड़के को खिलौना समझता है तू? सुन, इस लड़की की तरफ कभी देखा भी ना तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी, समझे ना? ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी तो मैं रुक, वो कौन है जानता है? नहीं। तुझे किकबॉक्सिंग आती है? नहीं आती। उसे किकबॉक्सिंग आती है? हाथ पैर तोड़कर तुम्हारी जेब में रखेगा, बटन्स लगा लो। फिर से कभी ऐसा पागलपन किया ना तो छोड़ूंगी नहीं। जाओ। ए, तू जरा बाजू में आना, तुझसे बात करनी है। हेलो। ए, हेलो। आ रहा है। रुक रुक, आजा। सुनो सुनो। ए, क्या है? दादागिरी कर रहा है? ये कान के नीचे दूंगी ना। चल जा। छोड़िए यहाँ से। आंटी छोड़ दीजिए। पुलिस में बताएं क्या? छोड़िए ना आंटी प्लीज। अच्छा पहिया है। ये पहिया क्या है? पहिया का मतलब तमिल में लड़का होता है। ओ अच्छा, तो तुम उसे पसंद करती हो, तो फिर उसे बुलाते हैं। ए आंटी, नहीं आंटी, नजदीक से नहीं, दूर से ही पसंद है। उससे शादी के बाद भी दूर से ही पसंद करोगी लगता है। चल। चंदू, अगले हफ्ते तुम्हारा सेमीफाइनल मैच है। ये जीत जाओगे तो फाइनल में जाओगे। नेशनल चैंपियन बनने के लिए ज्यादा दूर नहीं हो, प्रैक्टिस करते रहो। ओके सर। इस साल तुम्हारे अपोजिट कौन है पता है? लास्ट ईयर का चैंपियन सतपाल मलिक। बहुत ही डेंजरस आदमी है। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। द प्री फाइनल मैच फॉर द नेशनल चैंपियनशिप इज अबाउट टू बिगिन। सतपाल मलिक, द करंट चैंपियन। Mr. Chandu, a new entry. अरे अरे, आपको तो आती होगी ना? बोलिए। मुझे भी नहीं आती। अरे किसी को भी नहीं आती? चलो मैं ही बजा देती हूँ। क्या बात है, इसके लिए आई हो? हाँ? नहीं नहीं, मैं फ्रेंड के साथ आई हूँ। हाँ।
परेशान तो नहीं कर रहा है ना? भगवान से उसकी हार की प्रार्थना करो। नहीं नहीं आंटी, हारना नहीं चाहिए, जीत जाए। वैसे आप किसके लिए आई हैं आंटी? वो देखो, वो दाढ़ी वाला है ना, उसके लिए आई हूँ। ओह, आपका बेटा है? मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है? हाँ, देखो वो बॉडी, देखो वो पर्सनालिटी, देखो अच्छा है ना? देखो चलती हूँ। वो लड़की कौन? मेरी गर्लफ्रेंड है।